हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआर सपोर्ट ऑटोमेशन। तो आज की डेटा विजुलाइजेशन कोर्स में हम टैबलो की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियोज में आपने सीखा कि डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से आप टैबलो के डेटा, जो आपका टैबलो का डेटा है, उस टैबलो के डेटा को, सोर्स डेटा को समझते हैं। लाइट क्या है, स्ट्रैक क्या है, और कैसे हम डेटा के टाइप को समझेंगे, टाइप को कैसे चेंज करेंगे, और कुछ कैलकुलेशन हम कैसे करें, साथ में हम किस तरह से उसको रिपोर्ट में बनाएंगे। जैसा कि मैंने कल लास्ट वीडियो बताया था कि आज हम आपको एक सैंपल डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, सैंपल डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो हमने एक यहाँ पे सीट वन दिया, मैंने यहाँ पे सीट वन को यहाँ पे दिया प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ टाइटल को, हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट प्राइस कलर वगैरह हम अपने हिसाब से इसकी बोल्ड कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और इसकी कलर को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके क्योंकि मैंने बताया था आपको, एक सीट के ऊपर हम एक ही चार्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया सीट लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट, दूसरी सीट पे हम नेम के हिसाब से, कि हमने नेम को उठाया और हमने रो में डाल दिया, नहीं डाला, और फिर हमने क्वांटिटी को उठाया और यहां पे डाला डेटा फॉर्मेट में। जी हाँ, अब मुझे इसका, मान लीजिए इसको जो है सम ऑफ क्वांटिटी है, इसको कॉलम में रखना होगा। मेरे पास हमारा नेम वाइज टोटल आ गया। अब इस फॉर्मेट में चाहिए या आपको इस फॉर्मेट में चाहिए या इस फॉर्मेट में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं इसको। मैं क्वांटिटी को नीचे रखता हूँ, नेम को उठा के कॉलम में रखता हूँ, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा नेम बाइज टोटल आ गया। तो इसको हमने बोल दिया कस्टमर। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कस्टमर इसको भी मैं बोल्ड अंडरलाइन, और इसकी कलर थोड़ा सा अलग रखता हूं मैं, ये दे देता हूं। हो गया हमारा। फिर तीसरे सीट को ऐड करता हूं, और तीसरे सीट में हम यहां पे डेट को रखते हैं। यहां पे ड्रॉप डाउन करते हैं क्वार्टर, यहां पे ड्रॉप डाउन करते हैं मंथ, और इसके अंदर हम अपने क्वांटिटी को रखते हैं। ओके, और इसको भी आप सीट को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे मंथली कलर अगर करना चाहते हैं टाइटल को, तो यहां से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको भी आपको अगर मेजर्स में डालना, मतलब कि इसको इसमें डालना है, तो आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर, जो फॉर्मेट आपको चाहिए, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। फिर मैं एक और मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस बार जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ नेम प्रोडक्ट हो गया साइट वाइज। साइट वाइज मेरे पास दो ही साइट है, मैं इस बार सेल्स मोड के हिसाब से बनाना चाहता हूँ। सेल्स मोड, एक मिनट, हमने सेल्स मोड को ऊपर लेके डाला, उसके बाद हमने क्वांटिटी को लेके डाला। ओके, और इस बार मैं इसको
साइट को लेके कलर में डाल देता हूं। एफिलेटेड आ गया सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, और ये आपका आईपीटी इंडिया। तो दोनों का कलर सेम हुआ, सुजीत कुमार का अलग कलर हो गया और आईपीटी इंडिया का अलग कलर हो गया। अब यहाँ पे जो है ये आपके इसके हिसाब से चेंज हुए हैं, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, अलग अलग कलर दे देता है तो समझने में। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया सेल्स मोड, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं, सेल्स मोड ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बन चुका है, मेरे सारे कस्टमर शीट बन चुके हैं। तो ये हमारा शीट था। अब सेकेंड जो हमारा डैशबोर्ड है उसको क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड में क्रिएट करते ही यहाँ आपका फील्ड गायब हो गया, फील्ड गायब हो गया। आपने जब सीट क्रिएट किया तो यहाँ पे फील्ड आते थे, बट डैशबोर्ड में फील्ड नहीं, आपकी सीट्स की लिस्ट है। उससे पहले आप यहाँ हेडिंग वगैरह डालना चाहते हैं तो हेडिंग वगैरह टाइटल, इसकी लेआउट अगर देखना चाहते हैं कि भाई डैशबोर्ड कैसा होना चाहिए तो यहाँ से आप अपने लेआउट को चूज कर सकते हैं, इसकी साइज और विड्थ को चूज कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। टाइटल है आपका फ्लोटिंग आ गया, सो डैशबोर्ड टाइटल पे क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड वन आ रहा है। हम डैशबोर्ड टाइटल को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं 2019 साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, 18 से मैं इसको 22 कर देता हूँ, इसकी बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन इटैलिक भी करता हूँ और इसकी कलर जो है थोड़ा सा अलग रखता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने प्रायोरिटीज कीजिए कि मैं कस्टमर को यहाँ रखूंगा, कस्टमर की रिपोर्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, नीचे मैं अपना मंथ रखना चाहता हूँ और मंथ के बगल में आपको यहां पे सेल्स मोड है। तो इसने अपने अपने हिसाब से इसने रख दिया, अब इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब यहां पे आपके फिल्टर्स होते हैं कि आपको फिल्टर जनवरी फरवरी का दिखना, फिल्टर नहीं रखना तो यहां से हटा सकते हो, सिर्फ ऑटोमेटिक इसने फिल्टर अपना चूज कर लिया हुआ है, बट यहां से आप हटा सकते हैं फिल्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर चूज किया तो यहाँ पे आप एंटायर व्यू पे स्टैंडर्ड हो गया, फिट विड्थ फिट हाइट एंटायर व्यू आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड पे आ गया जो फिल्टर है, ये चीज फिल्टर पे आती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको यूज कर सकते हैं। अब मेरा डैशबोर्ड नॉर्मली बन चुका है, डैशबोर्ड नॉर्मली बन चुका है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको आपको पब्लिश करना होगा। जी हाँ, ये रिपोर्ट बन चुका है, तो इसको अगर आपने इसको लॉगिन किया हुआ है तो इसको आप शेयर वर्कबुक टू अदर कीजिए, अपना सर्वर नेम डालिए और इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो ये आपका टैबलो ऑनलाइन पे चला जाएगा। आपका जब टैबलो ऑनलाइन पे चला जाएगा, इसको साइन इन होना चाहिए, आपको अपना सर्वर पे साइन इन हमने कर रखा है, तो इसको टैबलो ऑनलाइन पे कर सकते हैं या इसको टैबलो पब्लिक में कन्वर्ट करना है ताकि बहुत सारे लोगों को भेज सके, तो आपको अपना टैबलो पब्लिक में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि इसको अगर आपको किसी को भेजना है तो इसका सोर्स तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ए वर्जन, एक्सपोर्ट पैकेज में या एक्सपोर्ट पावर पॉइंट में करना चाहते हैं कर सकते हैं, या शेयर करना चाहते हैं। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टैबलो को साइन इन करना पड़ेगा। मैं इसको एक्सपोर्ट एज ए पावर पॉइंट करता हूं, एक्सपोर्ट।
मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूं, मैं एक बार डॉक्यूमेंट में जाके देखता हूं। मेरा बुक वन, ओके अब एक बार मैं इसको टैबलू सर्वर पे साइन इन करता हूं। Remember me and sign. ठीक है, मैं भूल गया हूँ क्या? मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ शायद, लग रहा है। इसको साइन अप ऑनलाइन पे साइन अप करना पड़ता है इसको। तो मैं साइन अप करके अगली वीडियोज में बता दूंगा आपको। तो टैबलो साइन इन करने से क्या होता है, टैबलो ऑनलाइन पे आपका ये पूरा रिपोर्ट चला जाता है, जहां से आप इसको बाकी जगहों पे यूज कर सकते हैं टैबलो ऑनलाइन। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, मेरा पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।